नेकेड ओवरलोडेड एंड सुपर हेल्दी वेज काठेरोन। ये बहुत सिंपल रेसिपी है एंड ये खाने में बहुत ज्यादा यम्मी लगती है, तो आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। काठेरोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में एक कप आटा ऐड किया है। देन मैंने इसमें आधा कप मैदा ऐड की है। मैंने आटे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मैं इसको थोड़ा हेल्दी बनाना चाहती हूँ। थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करेंगे, एक चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। इतने में तैयारी कर लेती हूँ अपनी स्टफिंग की, जिसके लिए मैंने ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम किया है एंड मैंने इसमें ऐड की है तीखी तीखी सी चटपटी सी हरी मिर्चियाँ। इसे ऐड करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहे, गैस की स्टीम को लो रखें और इसको अच्छे से सोते कर लें। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी फेवरेट सी वेजीज जैसे कि पत्ता गोभी। अच्छी तरह पत्ता गोभी को ऐड कर लेंगे। आप इसमें अपनी फेवरेट सी वेजीज ऐड कर सकते हैं एंड मैं इसमें ऐड करूंगी कैप्सिकम को। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो को और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। गैस की स्टीम को लो रखिएगा और इनको हल्का हल्का सा भून लेंगे। हम वेजीज ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इनको हमें हल्का हल्का ही भून लेना है। तो ये अच्छे से मैंने इनको मिक्स करते हुए हल्का सा भून लिया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है पनीर, पनीर ऑप्शनल है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न को। अच्छी तरह इनको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। अच्छी तरह मैंने सभी को हल्का हल्का सा भून लिया है एंड मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपने कुछ मसाले। मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड किया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला और हल्का सा नमक। टेस्ट के हिसाब से ही नमक ऐड कीजिएगा और मसाले को अच्छे से वेजीज में भून लीजिएगा। तो मसालों को अच्छे से हल्का हल्का सा वेजीज में मैंने भून लिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हरी धनिया की पत्तियां और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। इतने में अपने जो मैंने डो तैयार किया था उसको अच्छे से मैंने लोई तोड़ ली है। फिर मैं इसको गोल गोल शेप में बेलूंगी। आप इसको किसी भी शेप में बेल सकते हैं, मैंने इसको गोल शेप में बनाया है। तो मैं इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसको हमें पतला ही बेलना है। तो मैंने इसको अच्छे से पतला सा बेल लिया है। फिर मैंने एक पैन को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था और मैं इसको उस पर डाल देती हूँ। फिर इसको अच्छे से हम दोनों साइड से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर मैंने इसकी एक साइड लगाया है बटर। आप यहाँ पर ऑयल और घी का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसकी दूसरी साइड भी पलटकर बटर को अच्छे से लगा दूंगी। दोनों साइड अच्छे से इसको सेक लेंगे। फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया है टमाटो को। आप यहाँ पर कोई भी सॉस ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटो केचप ऐड किया है। फिर मैं यहाँ ऐड करूंगी ग्रीन चिली सॉस को। अच्छी तरह सॉसेस हम लगा देंगे। फिर मैं यहाँ ऐड करूंगी अपनी स्टफिंग को। स्टफिंग आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज्यादा कम आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑनियन को। अच्छी तरह से ऑनियन भी हम इस पर लगा लेंगे। इसको और जूसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटो केचप और अच्छे से यहाँ लगा लिया है। फिर इसको अच्छे से रोल बना लेंगे। तो लीजिए हमारा काठी रोल बनकर तैयार है। तो लग रहा है ना एकदम से टेस्टी और यम्मी सा। तो आप भी इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका काठी रोल कैसा लगा था। फटाफट जाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय एंड एंजॉय।